हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कार का स्टूडियो अगेन। माई सेल्फ साहिल नरूला। आज जो गाड़ी हमारे पास आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो है। ये 2013 मॉडल आई है। ये पूरी की पूरी एक तरीके से हमने पूरी ही कार को रिस्टोर किया है। इस गाड़ी के अंदर मैं आपको बताता हूँ हमने क्या क्या काम किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस गाड़ी का फुल रीपेंट हुआ है, पूरा पेंट का जॉब इसके अंदर हुआ है। प्लस में इस गाड़ी के अंदर हमने ग्राफिक्स ऐड किए हैं, जो ग्राफिक इसके पहले इसके अंदर नहीं आते, क्योंकि 2013 मॉडल था, इसके अंदर किसी भी तरीके के ग्राफिक्स नहीं थे। इसके अंदर मैंने ग्राफिक इंस्टॉल किया है एंड इसके अंदर हमने साथ के साथ अलॉय व्हील इंस्टॉल किए हैं। आप इसके अलॉय व्हील देख सकते हैं, ये 16 इंचज़ के अंदर अलॉय व्हील है, सिल्वर और ब्लैक कलर में, जिसकी वजह से इसका लुक काफ़ी अच्छा निकल के आया है। आई होप आपको इसका लुक पसंद आया होगा। बाकी से आप इस गाड़ी का कंप्लीट लुक देख सकते हैं। इसके अंदर हमने क्रोम किट इंस्टॉल की है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का एक लुक और ज़्यादा इन्हेंस होकर निकल के आया है। आइए मैं आपको इस गाड़ी को अंदर से दिखाता हूँ। इसके अंदर हमने बिल्कुल ही डिफरेंट काम किया है। नॉर्मल ब्लैक कलर आता था, ओल्ड मॉडल था, इसके अंदर किसी भी तरीके का ब्यूटिफिकेशन या मॉडिफिकेशन नहीं हो रखा था, लेकिन हमने इसी गाड़ी की सीट को पूरा एक मॉडिफाई किया है। सीट के साथ साथ हमने इसके अंदर हाइड्रो डिपिंग का काम भी किया है। प्लस में हमने इसका पूरा इंटीरियर कलर चेंज किया है। मैं आपको फिर भी बताता हूँ, इसके अंदर हमने रूफ का काम किया है, फ्लोरिंग का काम किया है, प्लस में सीट पूरी मॉडिफाई की है। आई विल शो यू मैंने इसके अंदर क्या क्या काम किया है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, इस गाड़ी के अंदर हमने एक बिल्कुल ही डिफरेंट ड्यूल टोन का इंटीरियर रेडी किया है। इस ड्यूल टोन की वजह से इस गाड़ी का लुक बहुत ही अच्छा निकल गया है। इस गाड़ी की जो सीट पहले बिल्कुल नॉर्मल बेसिक सीट थी, इसको हमने थोड़ा सा ब्रॉड करके प्लस में इसके अंदर थाई सपोर्ट दिया है एंड इसके साथ साथ इसके अंदर हमने शोल्डर भी ऐड किए, ताकि आपकी जो लॉन्ग राइड है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और कम्फर्टेबल रहने वाली है। और इस गाड़ी का मैं आपको बाकी अंदर से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, इस गाड़ी का ये पैनल बिल्कुल ब्लैक कलर का था, इसको हमने हाइड्रो डिप करके गोल्डन और ब्राउन शेड दिया है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट लुक है। ये जापनीज़ फिल्म है जो इस गाड़ी के अंदर पूरे हाइड्रो डिपिंग में यूज़ करी गई है। प्लस में आप देख सकते हैं इसका स्टेयरिंग हमने बिल्कुल ही डबल टोन में रेडी किया है और ये कम्प्लीट हैंडमेड स्टिचिंग के साथ हम इसको रेडी करते हैं और पूरी अंदर तक प्रॉपर फिटिंग के साथ ये चलता है, ताकि इसका कहीं से भी आफ्टर मार्केट का काम ना लगे, लगे कि बिल्कुल गाड़ी हमने एज गुड एज ओरिजिनल रेडी करी है। आइए मैं आपको इस गाड़ी की छत दिखाता हूँ। आप इसकी रूफ़ देख सकते हैं, इसकी रूफ़ हमने पूरी ही डिफरेंट तरीके से रेडी करी है। आप देख सकते हैं पूरी रूफ़ में कहीं पे भी कोई जॉइंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, प्रॉपर पूरा फिट आया हुआ है। एक एक चीज़ आप इसका देख सकते हैं पूरा। प्लस में आप इसका देख सकते हैं कि इसका पिलर का कलर हमने पूरा चेंज किया है। ये बेसिक ग्रे कलर का था, इसको हमने टैन कलर में दिया है और जो स्टेयरिंग में सीट्स में हमने ड्यूल टोन यूज़ किया है, वो सेम इसके डैशबोर्ड के अंदर भी यूज़ किया है। इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, ये डबल टोन में हो गया है। ये सॉफ्ट फिल कोटिंग होती है और ये लॉन्ग टाइम तक गाड़ी के अंदर रहती है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऊपर से टैन, नीचे से बेज कलर करके एंड इस गाड़ी के अंदर हमने फ्लोरिंग भी ऐड करी है पूरी एंड प्लस में इसके अंदर 70 मैट इंस्टॉल किए हैं। इस गाड़ी का लुक काफ़ी ही अच्छा निकल के आया है। आई होप आपको हमारा काम पसंद आया होगा और इस गाड़ी को करने में हमने काफ़ी मेहनत करी है। प्लीज़ आप हमें लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।